subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तानी चोपड़ा कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ। मज़ेदार रेसिपीज तला खड़ी आयो। सियारो स्टार्ट हो सियारे की काफ़ी सारी वैरायटी मच्छी जी तक ठाण सिखारे, कुछ हलवा ठाण सिखारे। अज का असा ठाईंदी सूप, हाँ हर वीक सूप ठाईंदा रही। काफ़ी सारी सूप की वैरायटी जो सियारे में तक काफ़ी फायदो दी, काफ़ी मुफीद हों ते। अज असा ठाईंदी चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप तमाम फेमस है, हर जगह मिले तो, घर में ही साफ़ सुथरो मर्जी से तीन क्वान्टिटी में ठाई सो, सस्तों भी पवो है। चिकन कॉर्न सूप से अगर ठाईंदी चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ फ्राइड राइस, यानी जिनके काफ़ी मूँ चाहता है चाइनीज़ बिरयानी, लेकिन वो चाइनीज़ फ्राइड राइस हूँ। अंडे चिकन से गड ठाईंदी बई रेसिपी सुबह 12 रिपीट हलन स्क्रीन से नंबर ले पो। का भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो, पुछी सोता एनएक्स असा सा गड। एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर तुम्हें सामूँ यूज़ कर जरूर वो, घर में रखो, ये मशीनरी तुम्हें हुजन खपन। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे, सर्दियों के हिसाब से फिश आपको बनाना सिखाएंगे, उसके अलावा हलवे भी थोड़े थोड़े बनाते आ रहे हैं। अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ आज से सूप। मैंने कहा था फर्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा नवंबर का, तो हम सूप्स बनाना शुरू करेंगे, तो आज से सूप्स बनाना शुरू करते हैं। आज हम फेमस सूप जो हर कोई लाइक करता है, चिकन कॉर्न सूप, वो बनाना सिखा रहा हूँ। साथ ही एग और चिकन, एक होते हैं एक फ्राइड राइस, एक होते हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस, एक होते हैं चिकन फ्राइड राइस। तो मैं मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ बना रहा हूँ एग चिकन फ्राइड राइस, ताकि आप इजी खा सकें। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ हम सॉस कोई भी बना सकें, कुछ ऐसी चीज़ बनाए। आप जस्ट ये फ्राइड राइस थोड़ी स्पाइसी से, चटपटे से होंगे, आप बना के खा सकते हैं। कल 12 रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी है, कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। किचन में चलेंगे और रेसिपी करेंगे स्टार्ट। सूप हम बनाएंगे चिकन में, ठीक है। प्रॉन्स में भी बनता है ये सूप, डिफरेंट तरीके से बनता है। वेजिटेबल के भी सूप्स बनते हैं, बहुत सारी वैरायटी है सूप्स की, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हमने यखनी बनाने के लिए रख दी है। यखनी बनाने के लिए आपने लेना है 10 कप पानी। ये मैं 6 कप की यखनी यानी 6 सर्विंग बना रहा हूँ, 6 प्यालियाँ, ठीक है। 10 प्याली पानी लेना है, 10 से 12 प्याली ले लें, ठीक है। उसमें आपने चिकन डाल देनी है, गर्दन के पीस डाल दें, बाजू के पीस डाल दें, सीने का पीस डाल दें, लेकिन हड्डी ज़रूर होनी चाहिए। यखनी जो बनती है प्रॉपर जो ओरिजिनल, वो हड्डी से बनती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पाव जितनी चिकन ली थी जो हड्डी के साथ है, जिसमें गर्दन भी है, बाजू भी है, सीने का पीस भी है, ठीक है। साथ ही इसमें क्या क्या डाला हुआ है, 1 अदद प्याज आप डालेंगे। इससे क्या होता है, यखनी की जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है, साबित प्याज, ठीक है। 1 अदद गाजर थी, 1 अदद उसके हमने 4 पीस कर दिए थे, 1 अदद गाजर है इसके 4 पीस कर दिए थे। ये हरी प्याज का एक पीस है, अगर ये नहीं है तो इसके बगैर भी बन जाएगा। और लहसुन के 4 जवे इसमें डाले हैं, ठीक है। छाछा विधवा यखनी ठाणला 10 प्यालियों पानी, ठीक है। 1 पाव मुर्गी जो गोश्त, जैमें निर्गट हुए, बाजू हुए, या सीने जो गोश्त हुए, या लेग पीस हुए, 1 पाव जितो गोश्त कहूँ, ठीक है। उनमें असा 1 गंड बसर जी ही साबित बसर जी 1 गंड विधल है, ठीक है। 1 गंड बसर जी साबित छिले विझी छो, 1 गाड़ी गजर विझी छो, उन 4 पीस कर छो, थूम जो 3-4 गड़ियों विझी छो, 10 गिलास का 10-12 प्यालियों पानी आए विधो। हल्की बाहे थे इनके 40-50 मिनट छड़न दो, ठीक है। 40-50 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे पकाते रहना है। जब आप देखेंगे 6 प्याली पानी रह जाएगा, ठीक है, 6 सर्विंग का पानी रह जाएगा, यखनी रह जाएगी, तो फिर चूल्हा बंद करके हम इसे छान लेंगे। ये तकरीबन 6 से 6.5 कप जितना प्याली जितना है सर्विंग का यखनी बच गई है, ठीक है। अब इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद इसकी जो चिकन है उसको अलग करके उससे रेशा बनाएंगे, जो हम सूप में ऐड करेंगे, ठीक है। चिकन इनमें अलग कंदासी, इनके छाने यखनी के अलग रखंदासी, धार जो तेज यूज़ में इंदी, आई जेका बूटियों इन उनमें तुम हड्डियों में बूटियों अलग करी, जो रेशो करी वठंदो, बाकी प्रोसेस जो छा है वो तक बताऊँ था, ठीक है। इसके लिए हम लेंगे 1 प्याला, जिसमें हमने यखनी को छान लेना है। स्ट्रेनर ले लेते हैं और इस यखनी को हम छान लेते हैं, ठीक है, इस तरह करके पूरी यखनी हम छान लेंगे छन्नी से, स्ट्रेनर से। और जो इसकी हड्डियाँ हैं, इसमें लहसुन वगैरह सबका फ्लेवर आ गया, ठीक है, ये प्रॉपर इसके अंदर फ्लेवर आ गया। और आप ये देखेंगे इसमें साबित जो सब्जियाँ हैं, प्याज, गाजर,
और लहसुन ये हम अलग कर देंगे और चिकन अलग करके चिकन का रेशा बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 6 प्याली 6 सर्विंग का एक बड़ा बॉल निकल आया है, क्या यखनी, ठीक है। ये यखनी सही तैयार थी भैया, 6 कप यानी 6 कप तक ना, 6 कप का मथे 6 प्यालियों जो कस्टर्ड जो प्याली होंगे 6 माण्डू जो आराम से ही सूप तैयार थी। अगर ठाण चाहो था तो इनकी क्वान्टिटी तक कर सको था, उनमें गोश्त बधाई छो, ठीक है। ये यखनी हम स्टॉक जो है इसको पीछे रख देते हैं और अब इसमें से पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कह रहे हैं कि था गला प्या से बात कर रहे हैं जी। जी कुछ कहना चाहेंगी? कॉल किए, अच्छा बहुत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी, कुछ पूछना है? फरमाइश भी है लेकिन मैंने आपकी तारीफ करनी थी प्रोग्राम की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, थैंक यू जी। बताएं कोई फरमाइश है तो जी। ये मुर्गी के पंजों की भी यखनी होती है ना? जी जी, मुर्गी के पंजों की यखनी बनती है, पिशावरी यखनी, वो इंशाल्लाह बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, आप देखिएगा, ठीक है। इस वीक में नहीं बनाएगा? इस वीक तो कल मेरा, कल तो स्टीम रोस्ट बनेगा, उसकी फरमाइश थी, ठीक है, जो स्टीम में तिक्के बनते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये पिशावरी यखनी है तो आप देखिएगा उसमें, जरूर बताइएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक जरूर देखिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा ये जो है इसको ठंडा करते हैं और इसमें से हम रेशा निकालेंगे, रेशा बना लेंगे बूटियों का बिल्कुल ठंडा करके, ठीक है। इनके थदो करें, इन जो रेशो ठाईंदासी, हाली ही थदो थी गोश्त, हाने छा कदासी अगेन हुनी सागे पतीले में जो यखनी असा कटी हुई छाणे, उन यखनी के असा इनमें वापस विछंदासी, ठीक है। जो यखनी हमने निकाली थी उसको छानने के बाद अगेन आपने डाल देना है पतीले में, ये रही, वापस साफ होना चाहिए पतीला, उसमें से सब्जियां वगैरह सब निकाल ली, ठीक है। अब ये यखनी मैंने इसमें डाल दी, यखनी डालने के बाद हम क्या करेंगे जी? रुखसाना जैदी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा। नहीं इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, मैं नोट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह सिखाऊंगा, कमिंग वीक से स्टार्ट करते हैं सूप। सो आज तो ये बना रहे हैं, फिर कमिंग वीक से दो दो सूप, तीन तीन सूप हर वीक बनाते हुए तो वो भी इंशाल्लाह बना देंगे ना। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपकी लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम था लेकिन मैं समझ गया बात। अच्छा यहाँ पे है मकई, ये देखें मकई, एक अदद भुट्टा ले लेंगे, जो मकई होती है भुट्टा, बहुत पक्का भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं होना चाहिए, इसको हमने इसके दाने निकाल दिए, ठीक है। मकई यानी भुट्टो एक खड़ी वो इलाही कच्चो सख्त भी ना होजे और इलाही नरम भी ना होजे, ठीक है। ये मकई है, मकई के असा थोड़ो ग्राइंड करे वी, इसको थोड़ा ग्राइंड करते हैं, बल्कि इसमें कर लेते हैं। ये एनएस का नया आया है मेरे पास ग्राइंडर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये नया आया है अभी, पहले हम जो यूज़ करते हैं ऊपर से प्रेस करने वाला, ठीक है। इसके आगे ये बटन है, ठीक है, इसके आगे ये बटन है, इसका टाइमर इस पर है, आप आगे पीछे इस तरह चला सकते हैं और ये ऊपर से ओपन होता है, ठीक है, ये आगे की तरफ करके ओपन होता है। इसमें आप चटनी भी बना सकते हैं, इसमें आप गीली चीज़ भी बना सकते हैं, इसमें आप ड्राई भी बना सकते हैं। जैसे वो वाला मेरे पास था ऊपर से प्रेस करने वाला, उसमें सिर्फ हम मसाले ड्राई पीसते थे, ठीक है, जो बो यूज़ के ऊपर ग्रे कलर जो हमें मथा मसाला वही मार्केट में हमें नयो आयो है एनएक्स जो, तो इनमें असा आली शयूँ भी यानी चटनी भी ठाई सकूँ था और इनमें तहाँ खुश्क मसाला भी पीसे सको था, टू इन वन। जी कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम फैसल भाई, क्या हाल है, खुश आयो? अल्लाह जो शुक्र है, कह रहे हैं कि था गलायो पिया? हां वही था साथी गलाया कराची हां। जी जी, छा हाल है तां जा? शुक्र अल्लाह सब खैर है, मुझे आजा जी। अधिक कुछ चाहना चाहिंदो? आजा तारे प्रोग्राम तो जबरदस्त आ बने तो 12 सा चवन केकड़न जो भी तो कने सूप चायो छा जो केकड़न जो सूप हेलो ठीक है केकड़न जो सूप ठाई दस तो न लेकिन मैं तांके जो तरीके कर बुधाई छदम ठीक है झींगन जो थिंदो है हॉट एंड सावर में झींगा पैंदा है तो वो इंशाल्लाह ठाई दस से बुधाई छदम एक दी पहले अच्छा पलक
हेलो फलक, हैप्पी बर्थडे टू यू। सिंध टीवी की तरफा तक तमाम घड़ी मुबारक हो, खुश रहो। ठीक है दी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब इसको हमने यूँ किया और इसको आप चला लीजिए। आगे की तरफ ये खुलेगा, पीछे की तरफ नहीं खुलेगा, ठीक है? ये देखें, अच्छा इसको ऐसा हमने चलाना था कि जैसे वो कुटावा होता है ना, इमाम दस्ते में कूटते हैं, उस तरह आपने करना है, ठीक है? जी उखरी मोरी में कुटियल हों उन तरीके से ऐसा एक दफ़ा मुँह हलायो आई सफ़ा थी वो, ठीक है? एक दफ़ा हलायण से ही हि फौरन थी वो, इनमें चटनी भी ठाई सको था, सब कुछ शयू ठाई सको था। ही एनएक्स जो नया मॉडल आया हुआ है, अब हम इसे क्या करेंगे, डाल देंगे सूप में। सूप हमारा बॉयल हो रहा है, ये जितना है कॉर्न ये सारा सूप में जाएगा। और अगर ये मशीन नहीं है तो इमाम दस्ते में कूट लें, अगर ये मशीन ना है तो उखरी मोरी में कुटे सको था धाणन के, ठीक है? ज़रूरी ना है कि ये मशीन ना है तो न ठाई सको, तो उखरी मोरी में भी कुटे सको था इनके। हाँ ही कॉर्न इनमें हलिया गया, ठीक है? कॉर्न्स डाल दिए, कॉर्न्स डालने के बाद इसको थोड़ा उबाल आने देंगे। ये मैं हटा देता हूँ मशीन, ठीक है? और यहाँ पे जो चिकन है, चिकन के हम रेशा करते हैं, चिकन का रेशा बनाएंगे, फोक से कर लें या हाथ से कर लें, इस तरह करके, ठीक है? बहुत इजी है चिकन कॉर्न सूप बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? चिकन कॉर्न सूप ठाइन दुख्यो ना है, आसान है। हथ सा इनके थदो करें, इनके पो बूटी हड्डी का अलग करे वो, ये बोटियाँ अलग हो गई, ठंडी हो जाए तो इसको चॉप कर लें, और जो कड़क वाला हिस्सा होता है वो हटा दिया करें, ये वाला, ठीक है? इस तरह एक कप जितना होना चाहिए आपके पास चिकन, कम से कम, ठीक है? या एक कप से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन एक कप काफ़ी है। गर्दन के ऊपर भी लगा हुआ है, गर्दन ही लेके रख लें। सबसे आसान तरीका बताऊं, गर्दन मार्केट में मिलती है चिकन वालों के पास, एक किलो डेढ़ किलो लेके रख लें, छः छः गर्दनों के पैकेट्स वॉश करके फ्रीज कर दें जब आपको चिकन बनानी हो, और फिर आप इससे बना सकते हैं, या फिर उसके साथ एक एक बोटी रख लें गर्दनों के साथ, इस तरह मिक्स करके ले लेंगे तो आप बहुत ईजीली चिकन बना सकते हैं। भुट्टे मकई लेके उसको आप कूट के और उसके पैकेट्स छोटे छोटे बना के रख दें, बस फ्रीज हुई हुई चीज़ें होनी चाहिए। आपको सर्दियां आ रही हैं, आपके पास हर चीज़ कंप्लीट होगी तो फिर आप सूप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है? इसको अच्छी तरह चॉप करेंगे, उखरी मोरी में भी कुटे सको था, या इन तरीके से हाथ से भी बारीक रेशो कर सको था। और ये चिकन भी हम इसमें ऐड कर देंगे, मकई को अच्छी तरह पकने दें हल्की आँच पर, तकरीबन 12 से 15 मिनट मकई के 12 का 15 मिनट पचन दियो। अच्छा, चिकन कॉर्न सूप डिफरेंट किस्म के बनते हैं, बाहर ठेलों पे जो बना रहे होते हैं उसमें चिकन इतनी नहीं होती है, उसमें मकई भी नहीं डली होती, कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में बहुत अच्छे बनते हैं जिसमें चटपटा थोड़ा करके बनाते हैं चिकन कॉर्न सूप। स्ट्रीट चिकन कॉर्न सूप भी बनाना सिखाऊंगा, 2-3 किस्म के चिकन कॉर्न सूप बनते हैं। ये मैंने सिंपल ओरिजिनल जो चाइनीज़ ऑथेंटिक रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखें, अभी रेशा बन गया, हड्डियाँ बिल्कुल अलग हो गई, अब ये सारा रेशा हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? कितना आसान है बनाना, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है? हे ठही वो हाँ इनके थोड़ा पचाइंदा सी 2 मिनट इसको पकने दें। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है? नमक 1 टीस्पून, लून 1 चाय जो चमचो, वधिक ना विझिजो, नॉर्मल 1 टीस्पून डाल दिया सॉल्ट। चिकन पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, हर जगह मिलता है। पहले चाइनीज सॉल्ट यूज़ होता था, लेकिन चाइनीज सॉल्ट अब बैन हो गया है, बैन है, बिल्कुल कहीं भी नहीं मिल रहा। बहुत से रेस्टोरेंट्स आए छुपा छुपा के यूज़ करते हैं चिकन की जो चिकन कॉर्न में, आप ये चिकन पाउडर डालें 1 खाने का चम्मच, इससे फ्लेवर आएगा बिल्कुल वही जो हम अजीनो मोतो में फ्लेवर लेते थे, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है? अजीनो मोतो जो मिलो है चाइनीज़ सॉल्ट वो न यूज़ कंदा क्यों, उनकी जगह चिकन पाउडर यूज़ कर, चिकन पाउडर हर जगह मिले पे, तो चिकन पाउडर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है चिकन पाउडर, हर जगह आप चिकन पाउडर यूज़ हो रहा है। ये हमने डाल दिया है और इसको हल्का सा बॉयल कर रहे हैं। अब मैं हल्का चूल्हा कर देता हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक जा रहे हैं, ब्रेक पे आके, ब्रेक के बाद आके इस रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। बट उतर के शॉर्ट ब्रेक का देना, जो ब्रेक अपी कंटिन्यू करता हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते उन्हनि खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई चिकन कॉर्न सूप, हिन जी पूरी रेसिपी वरी रिपीट कराईंदमि। हाणे असां छा कंदासीं, हिते हिन में असां चिकन विधी इसको बंद करें। चिकन विझण खां पोइ असां हिन में मकई जा दाणा विधा ऐं लूणु विधो हिकु चांहि जो चमचो, ठीकु आहे। एक चांहि का चमच इसमें नमक डाल दिया था। अब हम डालेंगे वाइट पेपर, ठीक है। काली मिर्च होती है, एक सफ़ेद मिर्च होती है। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं तो काली मिर्च डाल दें, हाफ टी स्पून से थोड़ी कम। वाइट पेपर डालेंगे बिल्कुल कम, ठीक है। अगर वाइट पेपर नहीं तो काली मिर्च डाल दें, लेकिन हाफ टी स्पून से कम डालना है, ठीक है। इसको बॉइलिंग आने दें। अब हम लेंगे कॉर्न फ्लोर, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर लेंगे, ठीक है। कॉर्न फ्लोर असं खणंदासीं, कॉर्न फ्लोर सुठी कंपनी जो यूज़ कंदा कयो। कॉर्न फ्लोर यहाँ पे मेरे पास है 4 to 6 टेबल स्पून, और इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। ठंडे पानी से कीजिएगा, गर्म पानी या गर्म यखनी से नहीं। कॉल लेते हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जो शुक्र, केर गलायो पिया। ये देखें, अच्छी तरह आपने कॉर्न फ्लोर लेना है। कॉर्न फ्लोर को आपने अच्छी तरह विस्क करना है। 5 से 6 खाने के चम्मच कॉर्न फ्लोर लिया, हाफ कप हमने पानी लिया, ठंडा पानी, कॉर्न फ्लोर डाला। और कॉर्न फ्लोर लेके अब एक हाथ में हमने कॉर्न फ्लोर का प्याला लेना है, और एक हाथ में हमने लेना है विस्क किया स्पून, ले लें, ठीक है। स्पून ही ले लेते हैं। सेंटर में आप कॉर्न फ्लोर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह करके, पूरा नहीं डालना है एक साथ, ठीक है। कंसिस्टेंसी देखेंगे कितनी गाढ़ी करनी है। इनके कॉर्न फ्लोर के थोड़ो थोड़ो करे विझंदासीं। 5 खाइण जा चमचा कॉर्न फ्लोर खयो, अध कप पाणी हो, ठीक है। थोड़ो थोड़ो कॉर्न फ्लोर इनमें विझूं पिया, ज़रूरत पए त थी सके तो 4 खाइण जे चमचे सां भी थी वञे, ठीक है। कभी कभी होता है कम कॉर्न फ्लोर से भी कवर हो जाता है। तो ये मेरे पास था 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर था। अगर नहीं हो रहा गाढ़ा तो थोड़ा सा और बना लें 1 टेबल स्पून। अब इसको आपने मिक्स करना है, और इसको 4-5 मिनट हल्की आंच पे छोड़ देना है, ताकि कॉर्न फ्लोर अच्छा सा पक जाए, कच्चा कच्चा ना रहे, ठीक है। ये हल्की आंच पे बस ये काफ़ी है। 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर हमारा इसमें यूज़ हुआ है, बाकी हमने बचा दिया, रख दिया, ठीक है। और कॉर्न फ्लोर फिर बाकी फेंक डिस्कार्ड कर दिया करें, फेंक दिया करें, कॉर्न फ्लोर को बचा के नहीं रखा करें, क्योंकि बाद में यूज़ नहीं होता। और अगर आपने फ़ौरन दूसरे दिन यूज़ करना है तो फिर आप फ्रिज में रख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा दिन इसे ना रखें, फ्रिज में रख दें, फिर आप दोबारा उसको विश करके और आप उसको चला सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्न फ्लोर हमारे इसमें हो गया है कंप्लीट, ठीक है। इनमें चमचो हिलाईंदा रहें, इलाही घाटो भी ना हो, इलाही पतलो भी ना हो। हाँ कंदी 3 अदद बेदा खणंदी। अब हम लेंगे 3 अदद अंडे, ठीक है। 3 अदद अंडे ले लिए, और 3 अंडों को बीट करके, अच्छा बहुत से लोग सफ़ेदी डालते हैं, ठीक है, अंडे की, लेकिन मैं जर्दी भी डाल रहा हूँ, क्योंकि उससे हम क्यों ज़ाया करें, ठीक है। हम 3 अदद अंडे लेंगे, अंडों को फेंट लेंगे, 3 अदद बेदा खाया, 3 बेदन के फेंटे छोड़ो, और हाँ बेदा खड़ी इनके अंदर विझंदी। हि जैसा फेंटो उनके हथ में रख जो, ठीक है। विस्क अपने हाथ में रखेंगे, अंडे अपने इसमें डालने थोड़े थोड़े करके, और इस तरह चलाते रहना। ये ना हो कि अंडा पूरा वहीं पे ऑमलेट की तरह तैयार हो जाए, इस तरह अपने चलाना है अंडों को। 3 अंडे काफ़ी हैं, ये देखें, चलाते रहें, साथ साथ अंडा इसमें एक जगह पे पीसेस में ना आ जाए। ये कॉर्न फ्लोर हमारा, ये देखें, अंडा इसमें कॉर्न फ्लोर के साथ कंप्लीट हो गया। और अब इसको हटा के 2 मिनट इसको पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा चिकन कॉर्न सूप तैयार हो गया, ठीक है। बस अंडों विधो, इनके मिक्स कयो। हाँ इनके सिर्फ 3-4 मिनट पचन दियो, उनका पर चूल्हो बंद कर वठंदासी। इन सा गट केड़ी केड़ी शयूं यूज थिंदियो हो तांके दिखारे तो छना। इसके साथ क्या क्या यूज़ होता है मैं थोड़ा साइड क्लियर कर दूँ काउंटर, उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आपको बता दूँ। इसके साथ 3 से 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक काली मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, अगर ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज पूरा होता है इसमें, ठीक है। ये है सोया सॉस, ये हैं हरी मिर्चें जो सिरके में डिप करके रखी जाती हैं, 1 दिन पहले डिप करके रखें। यही वाला विनेगर यूज़ होता है, ग्रीन चिली वाला, ठीक है। एक नीं पहरी सावा मिर्च कटे सिरके में पिसाए रखी छड़ों, तो हे वारो सिरको तां यूज़ कंदो तो ढो ज़बरदस्त ओरिजिनल इनजो फ्लेवर इंदो। सोया सॉस, और यहाँ पे हमारे पास है रेड चिली पाउडर, यानी जो हॉट सॉस होता है ना वो ओरिजिनल बनाएं खुद, ये ना कि मार्केट का लिया हुआ ना यूज़ करें, ओरिजिनल रेस्टोरेंट का जो बना होता है वो यूज़ करते हैं। वो आपको बनाना सिखा रहा हूँ। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अली अगर बात कर रहा हूँ सर जी, कुछ कहना चाहेंगे?
आपकी आवाज ना मुझे कट कट के आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? कंट्रोल रूम में बात कर लें, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है मुझे। पूछ लीजिए क्या कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये दिखाएगा, हमने सिरका लिया है 6 खाने के चम्मच, ठीक है, 6 से आधी प्याली सिरका ले लें, आधा कप जितना। इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच और फिर 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसको आपने मिक्स कर देना है। ये बन गया हॉट सॉस, जो ओरिजिनल चाइनीज रेस्टोरेंट्स में मिलता है वो यही वाला होता है, ठीक है, हॉट सॉस। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और तकरीबन 6 खाने के चम्मच आप ले लें या 7 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, ठीक है। अच्छो सिरको, नॉर्मल वारो सिरको, कास्ट न खण जो, सत्य सिरको न खण जो, नॉर्मल सिरको, उनमें पीठल गाढ़ा मिर्च बखाने जा चमचा विधा, ये असो थी हॉट सॉस तैयार। ये 3 चीज़ें हैं जो चाइनीज़ में यूज़ होती हैं, ठीक है, इस सूप में यूज़ होती हैं इसके साथ, और काली मिर्च रखी जाती है, बस इनफ ये हैं। अब हम इस सूप को निकाल लेते हैं बॉल में, फिर इसके बाद हम बनाएंगे फ्राइड राइस। अच्छी तरह मिक्स करें। ठीक है, इन तरीके से सजो सूप कटे था टू ही 6 माण्हुनि जे लाइ है, 6 खां 8 माण्हू भी खाई सकन था, नंढी प्यालियूं आहिनि, वॾियूं प्यालियूं आहिनि त 6 माण्हुनि जे लाइ है सूप, ठीक है। के ऊपर हल्की सी टॉपिंग करते हैं, बाकी साथ रखते हैं, ठीक है। सोया सॉस थोड़ा सा मैं टॉपिंग के लिए डालूं, आप नहीं डालिएगा, आप जितनी प्यालियां आप लोगों ने बनानी हो उस हिसाब से, फिर अपने अपने हिसाब से आप लोग सॉसेस डालिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिंग के लिए, गार्निशिंग के लिए डाल रहा हूं इसके ऊपर सोया सॉस। इसके बाद लेंगे हॉट सॉस यानी चिली सॉस, ठीक है। हम पांच हिसाब से तांजे इनमें विधो है टॉपिंग करण ला, तहां पो भले अलग सा रख जो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तहां भी हिनी में विझो, और जेखे जितनी खपे छे वो पांच मर्जी से विझी सके तो, ठीक है। ये हो गया, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। ये हमारा सूप हो गया तैयार, हल्की सी हरी प्याज, बिल्कुल लाइट सी, थोड़ी डाला करें इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल माइनर सी, ठीक है। हरी प्याज के पत्ते बारीक कटे हुए थोड़े से डाला करें, इससे क्या होता है कि सूप में अच्छा सा फ्लेवर आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा चिकन कॉर्न सूप तैयार, और इसे रखते हैं टेबल पर। इनका पोसा ठाईंदा सी फ्राइड राइस। ये सूप और इसके साथ जो इसके सॉसेस हैं वो भी मैं रख रहा हूँ प्लेटर में रख के, ठीक है, ताकि जो इसके साथ सर्विंग होती है सॉसेस की वो भी आप देख सकते हैं तो क्या क्या चीजें इसके साथ सर्व होती हैं। ये इसके सॉसेस हो गए और ये आपके सामने सूप आ गया, ठीक है। असांजी एक रेसिपी कंप्लीट थी भाई, अब हम आते हैं सेकंड रेसिपी पे। सेकंड रेसिपी हमारी है फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, एक चिकन फ्राइड राइस, ठीक है। एक होते हैं फ्राइड चिकन फ्राइड राइस, एक होते हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस, एक होते हैं एग फ्राइड राइस, हम मिक्स करके बना रहे हैं ताकि इसके साथ आपको सॉस बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आप वैसे ही खा सकते हैं। इसके साथ आप चिली गार्लिक सॉस होता है या टोमेटो केचप थोड़ा थोड़ा लगा के खाएँ, बहुत ही मज़े का लगता है। और बाकी जैसे चिकन विद चिली है, हॉट एंड सावर है, और चिकन के बहुत सारे शेजवान चिकन है, बहुत सारे इस तरह के इसके साथ यूज़ होते हैं, लेकिन अभी हम वो यूज़ नहीं कर रहे, हम सिंपल बना रहे हैं राइस ताकि आप बच्चों को भी बना के दें सर्दियों में, सिंपल इजीली चिकन फ्राइड राइस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हैदराबाद से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आए बाबा। अल्लाह जो शुक्र है, तव्हां ॿुधायो छा हालु आहिनि तव्हांजा? हाँ, खैर है, शुक्र है, इलाही थी है, तां सां ॻाल्हायो कोन्हे। हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम ॾिसो पिया जो को?
हाँ इलाही सुठो सूप इहो रिपीट कराईंदमि थोरी देरि में। अलाह जो शुक्र आहे, दुआऊं आहिनि तव्हांजो, तव्हां ठीकु आहियो? हलो ठीकु आहे, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो खोर सारो, ठीकु आहे? अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे अंडे बीट करने हैं, ठीक है? इसी बॉल में अंडे अगेन बीट कर लेते हैं। इसमें भी 3 अदद अंडे जाएंगे, 3 अदद बेटा। सबसे पहले हम अंडे बीट करेंगे, ठीक है? 3 अदद अंडे ले लेंगे, ये एक चिकन फ्राइड राइस मिक्स बना रहा हूँ, ठीक है? इसमें मशरूम भी आप डाल सकें अगर डालना चाहें तो, लेकिन हम नहीं डाल रहे। 3 अदद बेदा खाया, इनके फेटे वी, इसमें थोड़ा 1 पिंच सॉल्ट डाल दिया, 1 से 2 पिंच सॉल्ट, ठीक है? अब हम यहाँ पे लेंगे कुकिंग ऑयल 4 खाने के चम्मच, बस 4 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल खाएँ। ऑयल को फैला दें, ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो ये जो अंडे बीट किए थे इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? जिसके अंडा बीट किया हुआ ये अंदर भी चढ़िया, और इसको आपने यूँ घुमाना है, तोड़ देना, अंडे के पीसेस करके निकाल देने, ये लास्ट में फिर हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है जी? कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ठीक है अंडे हमने ट्राई करने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अच्छा ये अंडे हमने निकाल लेने, देखें इस तरह पीसेस में टूट गए, ठीक है ये सारे निकाल देने। अंडा जेके बचाया, 3 अदद अंडा हे कढ़ी वी, ठीक है बिल्कुल क्लियर कर दें इसको, ये क्लियर कर दिया पैन, अंडे मैंने निकाल दिए, ये फैला दिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसी में अगेन डालेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल, 3 खाने के चम्मच ऑयल डाला, 3 खाने के चम्मच ऑयल भी दो। यहाँ पे 1 पाव चिकन है बोनलेस, इस तरह की जूलियन स्ट्रिप्स कटी हुई है, हे ॾिसो 1 पाव चिकन आहे, हे ॾेखारि छो, 1 पाव चिकन आहे बोनलेस, इस तरह जूलियन स्ट्रिप्स कटी हुई है, ठीक है? 2-2, 3-3 इंच की आपने स्ट्रिप्स इस तरह काट देनी है, इन तरीके से चिकन कटियल है, चिकन सजी के अंदर फैलाए छो, बोनलेस चिकन ये हमने 1 पाव ले ली, ठीक है? आप बढ़ा भी सकते हैं लेकिन 1 पाव काफ़ी है इसके लेवल में। इसको तेज़ आँच पर हमने फ्राई करना है चिकन को, ठीक है? 5 मिनट लगते हैं बोनलेस चिकन को पकने में, तो इसको तेज़ आंच पे हमने 5 मिनट तक फ्राई करना है जी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बात अकेला बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कश्मीरी पुलाव मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना है। क्या चीज़? कश्मीरी पुलाव जो आपने बताया था वो मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना है। अच्छा अच्छा, चलें अच्छी बात है, और कोई फरमाइश करनी है? मौसम कैसा है वहाँ का? सर्दी हो गई है काफी। काफी सर्दी हो गई, अब सूप्स बना रहा हूँ, बना के देखिएगा कैसे लगते हैं आपको। चलें ठीक है, इसकी रेसिपी दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। किस चीज की? ये सूप की, सूप की। मैं बिल्कुल अभी थोड़ी देर में पूरी डिटेल में रिपीट कराता हूँ, अब लिखते जाइएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कवर कर दिया 5 मिनट ताकि चिकन टेंडर हो जाए, ठीक है? कवर करण का चाहती हूँ, चिकन जो जेको पांजो पानी हों वो भी थोड़ो निकरंदो है, तो स्टीम लगंदी, चिकन जल्दी तैयार थी वेंदी, इन करे सिर्फ 2-3 मिनट पाइन के कवर कयो, ठीक है? 2 से 3 मिनट मैंने इसे कवर किया है। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, ये मेरे पास है 2 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच लहसुन है, बारीक कटी हुई लहसुन है, ठीक है? एक कुटियल थूम है, 2 खाने के चम्मच पीठल ना है, चॉप करे छो, ठीक है? कूट लीजिएगा या चॉप कर लीजिएगा 2 खाने के चम्मच लहसुन। अब ये लहसुन मैंने इसमें डाल दिया, जब चिकन आप देखेंगे कलर चेंज हो गया, चिकन डन होने लगा है, इसमें लहसुन डाल देंगे, लहसुन के साथ चिकन को तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, जब तक मैं इसको फ्राई करके चूल्हा बंद कर दूंगा,
ठीक है, हम शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक दे उनका पहली तरह सामू जो कर रेसिपी टाइप है चिकन कॉर्न सूप है, दोबारा कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अंडों को हमने निकाल दिया, उसके बाद उसी में 3 खाने के चम्मच ऑयल गरम करके फिर जूलियन कटिंग में 1 पाव चिकन बारीक पार्चों में डाल के चिकन को 4-5 मिनट फ्राई किया, फिर 2 खाने के चम्मच लहसुन बारीक चॉप करके कूट के मोटे मोटे उसमें डाल दें, 2-3 मिनट लहसुन के साथ फ्राई करें। जब चिकन और लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा, चिकन गल जाएगा, बूटी तोड़ के देखें। उसके बाद आपने इसमें वेजिटेबल्स डालनी है, 1 शिमला मिर्च था बारीक कटिंग किया हुआ, 1 गाजर था और इसी तरह 1/2 कप जितनी बंद गोभी थी, 1/2 बंद गोभी थी छोटी, उसको डाल के स्टर फ्राई कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, इतना ही रेसिपी रिपीट कराएं पे हो। ऑयल गरम करो, ट्रे खंड या चमचा ट्रे अदर बेदा फेटे उनमें 1 पंच लून विजी बेदन के फेटे हमें विदो, थोड़े स्टर फ्राई करें कढ़ी वर्तो बेदन के पीसेज में उनका पोहनी में वरी ट्रे खंड या चमचा ऑयल गरम करो, चिकन विधि जूलियन बारीक कटिंग करें बोनलेस चिकन विधि, चिकन विझण का पोहो चिकन के थोड़े 4-5 मिनट फ्राई करो, चिकन फ्राई थी इनमें थूम विधि 2 खाने जा चमचा थूम विझी उनके फ्राई करो। ठीक है, उनका पोहन में सब्जियों विधि में जैमें शिमला मिर्च 1 गजर अध बंद गोभी नंढी ही बारीक कटिंग करी विधि, हाँ स्टर फ्राई थी वो तीन में असा छाकंदी चूल्हो थोड़ो हल्को कंदी चूल्हा हल्का करके, और इसमें हमने चावल है ये हैं बॉयल किए हुए। देखें चावल कम से कम 6 घंटे पहले, अगर शाम में बनाना है तो सुबह बॉयल करें, अगर सुबह बना दोपहर में बनाने तो रात को बॉयल करके रखें। ये देखें चावल बिल्कुल ठंडा है मेरे हाथ में, इस तरह ये देखें इस तरह फैल रहा है चावल, चिपक नहीं रहा, टूट नहीं रहा। ठीक है, इस तरह चावल आप दिखाएंगे, ये देखें बिल्कुल ठंडा चावल होना चाहिए ताकि चावल में नमी होगी तो चावल टूटना शुरू हो जाएगा। स्टर फ्राई करने के लिए फ्रिज में रखे हुए चावल ज़्यादा बेस्ट होते हैं, रेस्टोरेंट्स में जब चावल होते हैं वो 1-1 हफ्ते तक चलते हैं, बड़े पैमाने पर उसको बॉयल करके रखा जाता है, कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं है। पानी बॉयल करें चावल को 20-25 मिनट जैसे भिगोते हैं, उसके बाद पानी बॉयल करें, नमक वगैरह कुछ नहीं डलेगा, थोड़ा सा ऑयल डाल के और चावलों को अपने बॉयल करके 1 कनी जितना फुल डन होने चाहिए, 80% बॉयल होना चाहिए। ठीक है, और चावल इसमें आपने डाल देना है ठंडा करके, गरम चावल डालेंगे तो सारा चिपक जाएगा और टूट जाएगा। 6 घंटे पहले या रात को बना के फ्रिज में रख दें, चावल ठंडे हो जाएंगे तो दाना दाना अलग हो जाएगा, स्टर फ्राई करने के लिए बेस्ट हैं चावल। ठीक है, चावरन की हमेशा सुबह जो बॉयल करो, अगर शाम जो ठहरना है, अगर सुबह जो ठहरना है मंझन जो, तो रात जो बॉयल करें फ्रिज में रखी छो, वधिक सुठा ठंडा चाइनीज़। ठीक है, ये हो गया, वेजिटेबल्स डाल दी, अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून 1.5 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़े अच्छे करके बना रहा हूँ खाने जैसे जैसे फीके नहीं होंगे। ठीक है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर जिसे दक्कनी मिर्च भी कहते हैं कुटी हुई। ठीक है, वाइट पेपर नहीं हो तो उसके बगैर भी बन जाएगा। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट इसमें नहीं था। ठीक है, चीनी ज़रूर जाएगी, चीनी से मिठास नहीं आएगी, चाइनीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। 1 चाय का चम्मच चीनी चली गई, और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। ठीक है, छाछा वयो 1.5 खाने जो चम्मचो सोया सॉस। ठीक है, 1/2 चाय जो चम्मचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1/2 चाय जो चम्मचो कुटियल कारा मिर्च या पाउडर भी छो, वाइट पेपर ऑप्शनल आइन आहिन तो ठीक है, उनके बगैर भी ठही वा, अच्छा पेपर पाउडर वाइट पेपर पाउडर मिलो वो विझी छो, अगर ना तो उनके बगैर भी ठही वो। ठीक है, उनका पोता इनमें लूण विझो 1 चाय जो चम्मचो, काफ़ी है 1 चाय जो चम्मचो। अच्छा, चावर 1.5 पाव आ, ये बुधाई छा, चावर की क्वांटिटी 1.5 पाव है, चावल की क्वांटिटी 1.5 पाव है। ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह सब मिला के काफ़ी ये 1/2 किलो से ज़्यादा बन जाएंगे, तो 1.5 पाव चावल अपने भिगोने हैं। ठीक है, ये मैंने बताना भूल गया था, 1.5 पाव चावल बॉयल हैं। ठीक है, उनका पो चिकन पाउडर विझणो है इनमें 1 खाने जो चम्मचो, इनके स्टर फ्राई करो 4-5 मिनट इनके फ्राई करासी। अब इसमें हम डाल देंगे अंडा, अंडा जो हमने पहले बना के रखा था वो ऊपर से डालेंगे। इसमें हरी प्याज बारीक कटिंग की हुई 1 कप चली जाएगी। ठीक है, थोड़ी बचा के रखेंगे गार्निश के लिए, 1 कप हरी प्याज ऊपर से डाल दी, और इसको हम फ्राई करेंगे 2-3 मिनट, उसके बाद इसे निकाल लेंगे।
ठीक है। ख्याल कीजिएगा चावल नीचे से जले ना, टूटे ना चावल, और आराम आराम से इसको स्टर फ्राई करें 3-4 मिनट बाद। और इसको निकालें टोमेटो केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, और इसको खाएं, बहुत मज़े का लगता है। ऐसे रूखा भी खाएंगे तो इसमें चिकन है, अंडे हैं, वेजिटेबल्स हैं, थोड़ा मैंने स्पाइसी करके बनाया तो आप लोग आराम से खा सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए इस तरह के राइस बनाएं ताकि बच्चों को भी बना के दें। हरी मिर्चें डालना चाहें तो चॉप करके आप डाल सकती हैं, अदरवाइज़ मैंने नहीं डाली इसमें हरी मिर्चें। ये हमारे फ्राइड राइस तैयार हो गए, इसे डिश आउट करते हैं और फिर मैं सूप की रेसिपी आपको रिपीट करा दूँ। तो ताकि सूप जी रेसिपी रिपीट कराएं तो पानी खुश करे बठंदा कर, जैसे भी प्लेटर में तक कढ़ंदा हो हमेशा पानी ड्राई करके फिर उस प्लेटर में राइस निकाला करें। ये हमारे ज़बरदस्त चिकन एग फ्राइड राइस हो गए रेडी। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप रिपीट में देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। राइस चिकन फ्राइड राइस विद एग फ्राइड राइस, चिकन एग फ्राइड राइस। लगना नहीं चाहिए नीचे से और दम पे नहीं रखा जाता चावल कभी भी। चाइनीज़ बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, पतीले में बना के फिर दम पे रख देते हैं बिरयानी की तरह, इसको दम पे नहीं रखा जाता। चावल आपका तैयार हो, स्टर फ्राई करें अच्छी तरह और फिर इसे निकाल लें, बस ये परफेक्ट आपके राइस बनेंगे, कभी भी दम पे नहीं रखे जाते। और इसको फ्राइड राइस कहते हैं, इसको बिरयानी नहीं कहते चाइनीज़ बिरयानी, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं कि चाइनीज़ बिरयानी नहीं है, ये फ्राइड राइस है, चाइनीज़ फ्राइड राइस। हरी प्याज जो बच गई थी थोड़ी सी बचा के रखी थी, ऊपर से टॉपिंग करें और इसको रख के फिर मैं सूप की रेसिपी आपको पूरी रिपीट कराता हूँ, ठीक है। ये कम्प्लीट हुई है साजी मेरी रेसिपीज, टाइम बताइएगा तो मैं फिर सूप की रेसिपी रिपीट कराऊँगा। सूप के लिए हमने यखनी लेनी है, ठीक है। 10 प्यालियाँ पानी ले लें, उसमें आपने 1 गाजर डालना है, 1 छोटा प्याज डालना है, गाजर के 3 पीस करके डाल दें, 1 छोटा प्याज डाल दें, 4 जवे 3 जवे लहसुन के डाल दें, उसको बॉयल करने रख दें 45 मिनट तक हल्की आंच पर बॉयल होने दें। जब ये बॉयल हो जाए 6 कप पानी रह जाएगा, चूल्हा बंद कर दें, छान लें, चिकन को अलग करके ठंडा करके उसका रेशा बना लें, बाकी चीज़ें डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यखनी को वापस पतीले में डालना है, 1 मकई यानी भुट्टा लेना है, उसको कूट के या ग्राइंड करके वो डाल देना है, 3-4-5 मिनट उसको पकने दें। उसके बाद चिकन जो रेशा करके रखा था 1 कप जितना होगा वो पूरा इसमें डाल दें, चिकन 1 पाव काफ़ी होती है हड्डी वाली, ठीक है। वो चिकन डाल दिया आपने, उसको फिर बॉयल होने दे 3-4 मिनट तक, 5 मिनट तक दोनों चीज़ें बॉयल होने लगें। फिर आपने 4 से 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है, 1/2 कप ठंडे पानी में कॉर्नफ्लोर को घोल के, पहले उससे पहले नमक डाल दें 1 चाय का चम्मच, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें वो जब बॉयलिंग में। फिर आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, कॉर्नफ्लोर डाल के स्पून चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे उसको गाढ़ा करना है, बहुत गाढ़ा भी ना हो बहुत पतला भी ना हो, लेवल अच्छा रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 अदद अंडे बीट करने, फेंट के अंडे डाल देने, और अंडों को डाल के फ़ौरन स्पून चलाते रहें, बिल्कुल परफेक्ट आपका चिकन कॉर्न सूप बन जाएगा। 5 मिनट रखें, चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद आपने हरी मिर्चें 6-8 हरी मिर्चें, थोड़े से 1/2 कप विनेगर में सफ़ेद सिरके में 1 दिन पहले भिगो के रखें, वो सिरका यूज़ करें। हॉट सॉस जो चिली सॉस होता है 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और उसमें 6 से 8 खाने के चम्मच सिरका मिला लें, वो हॉट सॉस बन जाएगा। सोया सॉस साथ रखें, नमक और काली मिर्च रखें, इसको आप सर्व करें, बच्चों को दें, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। सूप जी रेसिपी रिपीट कराएं पे 10 कप यखनी जिला पानी खड़ा दो, उनमें 1-1.5 बूटियों खड़ा दो, हडी सागर चिकन जो आए 1 नंढी गंढ बसर जी साबित छिले विछजो, गजर 1 वॾी खणी जा पीस करे विछजो, 2-4 थूम जी घणी विझी उनके एतरो पचाइजो कि 6 कप यानी 6 प्यालियों पानी रहिजी वञे 40 मिंटनि ताईं पचंदो हल्की बाहि ते, पोइ उनखे छाणे चिकन अलॻि करे चिकन जो रेशो करे वठिजो, बाक़ी शयूं फिटी करे छॾिजो। यखनी वापसि पतीले में विझी उनमें मकई जा दाणा कुटे 1 कप जेतिरा 1 मकई जा दाणा विझी बॉयल कजो 5 मिंट, चिकन विझी छॾिजो उनखे बि बॉयल कजो। कॉर्नफ्लोर खणंदो 4 खां 5 खाइण जा चमच, 1/2 कप थधे पाणी में घोले उहो विझिजो, अगरि पतलो रहे वरी थोरो कॉर्नफ्लोर ठाहे विझो, घाटो थी वेंदो 3 अदद बेदा खणी वरी उनखे फेटणो आहे, उहो बेदा हुनजे अंदरि विझी वरी उनखे पचाईंदो त चिकन कॉर्न सूप तयारु थींदो। लूणु पहिरीं विझी छॾिजो 1 चांहि जो चमच, 1/2 चांहि जे चमचे घटि कारा मिर्च विझी छॾिजो, पोइ ही चॾो तयारु थी वञे। पोइ ॻाढ़ा मिर्चनि जो सॉस ठाहिजो 2 खाइण जा चमचा ॻाढ़े मिर्चनि जो पाउडर, 6 खां 8 खाइण जा चमचा सिरको मिलाए हू सॉस ठही वेंदो। सावा मिर्च 6 खां 8 खणी वठिजो, बारीक कटिंग करे 1 ॾींहुं पहिरीं सिरके में रखिजो, उनखां फ्लेवर सुठो ईंदो। सोया सॉस ऐं कारा मिर्च 6 सप्ताह मिक्स करे कल 12 बजे रिपीट चलेगा,
कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा पेज फेसबुक पे इसको लाइक करें, शेयर करें। वहाँ पे आपको जो भी मैसेज करना है उनके सारे रेसिपीज़ के मैं मैसेजेस के जवाब देता हूँ। इंशाल्लाह कल आप देखिएगा स्टीम रोज़ बनाएंगे पतीले में, जो तिक्के बनते हैं रोज़ शादी सुबह लीजिए। पाँच कोर्सा रो ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असान जो YouTube चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।